मित्रों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जून 2020 में मुंडन के लिए कौन कौन सा दिन शुभ रहने वाला है। कुछ लोग मुंडन के बारे में अच्छे से जानते हैं, कुछ लोग मुंडन के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय से ही बच्चे के सिर पे बाल रहता है। इस बाल को पहली बार कहीं जब उतारा जाता है तो विधि विधान के साथ और पूजा पाठ के साथ ही इस बाल को उतारा जाता है, इसे ही मुंडन कहते हैं। हर बच्चे का मुंडन अति आवश्यक है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी सर्वथा उचित है, क्योंकि जब बच्चे का बाल होता है और वो लगभग 1 साल का या 2 साल का 3 साल का हो जाता है तो जन्म के समय से जो बाल रहता है उसको एक बार अगर हटा दिया जाए, अच्छे से निकाल दिया जाए तो दोबारा से जो बाल आता है वो अच्छा घना काला पहले से ज़्यादा बढ़िया बाल आता है। ये तो हो गई वैज्ञानिक दृष्टि की बात। अब शास्त्रीय आधार भी इसका यही है कि जब जन्म के समय से बाल जो रहता है वो अशुद्ध माना जाता है तो ऐसे में उस अशुद्ध बाल को निकालना कहीं ना कहीं आवश्यक होता है। तो इसके लिए एक मुहूर्त में किसी खास जगह पे ही विधि विधान के साथ मुंडन कराया जाता है बच्चों का, आप सभी परिचित होंगे इससे। तो आइए जानते हैं जून 2020 में किन किन दिनों में मुंडन कराया जा सकता है। सबसे पहला मुहूर्त जो बन रहा है वो बन रहा है बुधवार यानी कि 3 जून 2020 को। इस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। नक्षत्र रहने वाला इस दिन स्वाति। शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा सुबह के 9:07 से लेकर रात के 8:43 तक। इन शुभ मुहूर्तों में से भी जो उत्तम मुहूर्त है जिसका कि मैंने नाम धर्म शिक्षा मुहूर्त दिया है, क्योंकि मैंने बहुत सारा चीजें खंगाल कर आपके लिए मुहूर्त लाया है, वो मुहूर्त रहने वाला है सुबह के 10:35 से लेकर 12:19 तक। वैसे आप मुंडन पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं लेकिन इस समय का चयन करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वो बन रहा है बुधवार यानी कि 10 जून 2020 को। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। नक्षत्र श्रवण रहेगा। शुभ मुहूर्त बनेगा सुबह के 5:22 से लेकर रात के 8:06 तक, यानी कि पूरे दिन ही मुंडन के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में भी सबसे अच्छा जो मुहूर्त रहेगा वो रहने वाला है दिन के 10:36 से लेकर 12:20 तक। इस समय का चयन कर सकते हैं आप मुंडन के लिए। तीसरा और सबसे अंतिम मुहूर्त जो जून 2020 में बन रहा है वो बन रहा है 24 जून को। इस दिन बुधवार का दिन रहेगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। नक्षत्र पुष्य रहने वाला है और शुभ मुहूर्त जो रहेगा इस दिन वो रहने वाला है सुबह के 5:24 से लेकर 10:16 तक। सुबह के ही तो 10:16 से पहले ही 5:24 से 10:16 के अंदर ही आपको इस दिन मुंडन करवा लेना है बच्चे का। इस दिन पूरे दिन मुहूर्त नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको जून 2020 में बताया मुंडन के लिए कौन कौन सा दिन शुभ मुहूर्त बन रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी जो लिखिए और हमें भी बताइए किस दिन का चयन आपने मुंडन के लिए किया है। तो मित्रों मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।